हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और एक और चीज है जो काफी कंफ्यूजिंग है, उसका नाम है यूटीजीएसटी। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नई कंपनी बनाएंगे, तो यहां से चलेंगे क्रिएट कंपनी पर और इस कंपनी को क्या नाम देंगे, हम क्लिक करेंगे इस पे और यहां पे नाम दे देंगे जीएसटी एंड कंपनी, COMPANY, जीएसटी एंड कंपनी नाम दे दिया और यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया एंटर। फिर यहां पर यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, एंटर करेंगे और यहां पर 274001 ये पिन कोड आएगा, तो ये पिन कोड डाल दिया हमने, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। और एक्सेप्ट कराते ही एक नई विंडो ओपन होती है जहां पर हमें जीएसटी चालू करना होता है। तो यहां पर जीएसटी कैसे कैसे चालू करना है देख लीजिए। यहां पर आना है, वाई प्रेस करना है, एंटर करना है, एंटर करके यहां पर रेगुलर रखना है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं या सेज में डील करते हैं तो आप सेज भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रेगुलर रख रहे हैं। एसीज ऑफ अदर टेरिटरीज को नो रखना है और यहां पर आपका आता है जीएसटी आई एन नंबर, तो जो भी आपका जीएसटी आई एन होता हो वो जीएसटी आई एन नंबर यहां पर डाल दीजिए। हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, बाकी डिटेल को ऐसे ही एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट यहां पे आते हैं ना, तो फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं कराना है, यहां पर इसको यस करना है। यस जैसे ही करेंगे तो यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप शो मोर पे जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर पहले ऑप्शन पे ही हमें रहना है और एंटर करना है। और यहां पर अगर आप एचएसएन कोड डालेंगे तो ठीक रहेगा, तो यहां पर आपका 8 अंकों का जो एचएसएन कोड है वो आएगा, ठीक है। तो एचएसएन कोड कितने अंकों का होगा, 8 अंकों का होगा, तो ये 8 अंकों का एचएसएन कोड डाल दिया। यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और स्पेसिफाई डिटेल यहां पर करेंगे और यहां पर टैक्सेबल रख करके 5% लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट। थ्रेशहोल्ड लिमिट यहां पे दी गई है, तो आप चाहे तो थ्रेशहोल्ड लिमिट डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 50,000 ही रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये हमने कर दिया है, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और एक्सेप्ट कराने के बाद आपकी कंपनी बन गई है, ठीक है। अब हम सीधा कहां चलते हैं, वी बटन प्रेस करके कहां चलते हैं, हम चलते हैं यहां पर देख सकते हैं परचेज में, ठीक है। वैसे तो रिसिप्ट में जाना चाहिए लेकिन चलिए हम अभी चलते हैं सीधा परचेज में। तो ये आ गए परचेज वाउचर में, यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया और यहां पर अल्ट सी करके क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाया, यानी क्रेडिटर पार्टी हमारी होती है सप्लायर पार्टी। तो यहां पे हमने लिख दिया है सप्लायर 1, ये हमारी सप्लायर पार्टी है, इसीलिए इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या ग्रुप होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप डालते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये सेम स्टेट का मामला है, ठीक है। तो एक तो सेम स्टेट का मामला होगा तो वहां पर कौन सी जीएसटी आएगी ये यहां पर देना होता है, और यहां पर आएगा परचेज अकाउंट। तो यहां पर कर देते हैं परचेज A/C, यानी अकाउंट कर दिया है और एंटर करके यहाँ पे ग्रुप डाल देंगे परचेज अकाउंट। तो ये परचेज अकाउंट डाल दिया और एंटर करके इसको भी करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो ये हो गया काम। अब क्या करना है, अब यहां पर हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जो कि बिल पे दिया गया है। तो हमारे बिल पे दिया गया है क्या चीज, यहां पे दिया गया है फॉर्चून कच्ची घानी, ये दिया गया है हमारे बिल पर। तो ये हो गया फॉर्चून कच्ची घानी, यहां पे हमने दे दिया है, देख सकते हैं एंटर किया। यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये यूनिट पे जाएंगे और यूनिट में क्या करेंगे, LTR डालेंगे, LTR यानी लीटर, और यहां पे फॉर्मल नेम LITRE लीटर कर देंगे और एंटर करेंगे, L प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे और यहां पे 3 कर देंगे, एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे। और यहां पर अल्टरनेट यूनिट फिलहाल नहीं बना रहा हूं, स्टैंडर्ड रेट जरूर सेट करेंगे हम। तो ये परचेज की रेटिंग है, तो यहां पे परचेज किया 110 का, बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, तो यहां पे बेचने वाला रेट डाल देंगे 140 का कम से कम बेचेंगे। तो ये हो गया। अब एंटर करके यहां पर जीएसटी अलग से लगाना हो तो चाहे तो आप अलग से लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप अलग से भी लगा सकते हैं लेकिन फिलहाल हम 5% इस पे रखने वाले हैं। अब यहां पर 600 लीटर की बात हो रही है और 1 लीटर की खरीद रेट कितनी आई है, 110 रुपए। तो कुल मिला के 66,000 का बिल ये बन रहा है, ठीक है। और एक ही प्रोडक्ट रख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, देखिए सेम स्टेट का मामला है तो इसीलिए आएगा सीजीएसटी, यहां पर सीजीएसटी किया हमने, एंटर किया और इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिएगा जब भी टैक्सेस की बात आएगी तो ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे सीजीएसटी हो गया और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग हो गया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। और यहां पर आएंगे तो फिर यहां पर एसजीएसटी किया हमने, एंटर किया ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
यहां पे जीएसटी ही रहेगा और यहां पर क्या करेंगे एसजीएसटी कर देंगे, एंटर करेंगे यहां पे नॉर्मल राउंडिंग और ये करते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद यहां पर इसे नो कर देंगे और यहां पर आएंगे तो नरेशन डाल देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार में परचेज किया गया है, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद बारी है अब क्या करने की, दूसरी एंट्री पास करने की। यहां पर हम दूसरे क्रेडिटर पार्टी की बात करेंगे। यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला हमने, एंटर किया। अब ये तो सप्लायर वन हो गया, सप्लायर वन सेम स्टेट का था, लेकिन यहां पर ये है सप्लायर टू, ठीक है। क्या है, सप्लायर टू है। तो ये कौन से स्टेट के हैं, तो ये डिफरेंट स्टेट के हैं। तो आपको पता ही है डिफरेंट स्टेट के होंगे तो ग्रुप तो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना ग्रुप कुछ और हो जाएगा। यहां पर स्टेट चेंज कर देंगे हम, जैसे एमपी कर देते हैं इस बार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र कर देते हैं, तो ये महाराष्ट्र हो गया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, जब एक्सेप्ट कराएंगे तो इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराना है, एंटर एंटर करिए एक्सेप्ट कराइए और यहां पर आएंगे तो परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। फिर वही मस्टर्ड ऑयल जो हमने दिया था वो ले लेते हैं, फॉर्चून कच्ची घानी, ठीक है। और यहां पर 500 पैकेट की बात हो रही है, यानी 500 लीटर की बात हो रही है और एक लीटर की खरीद रेट यहां पर आई हुई है, देख सकते हैं। फिर यहां पर अगर हम सीजीएसटी लगाएंगे तो ये नहीं आएगा, तो क्या लगाना होगा, आईजीएसटी ही लगाना होगा, लेकिन हमने बनाया नहीं है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां बनाते हैं आईजीएसटी। ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, तो यहां पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देना है और यहां पे जीएसटी कर देना है, आईजीएसटी कर देना है, एंटर करना है, नॉर्मल राउंडिंग करना है और एंटर करके इसे कराना है एक्सेप्ट। तो यहां पर आ गया है आईजीएसटी, देख सकते हैं आईजीएसटी आ गया है और यहां पर इसे नो करके एंटर करके और यहां पर लिख देंगे हम द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जैसे पिछले बिल पे लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी लिख देना, इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये दोनों एंट्री तो समझ में आई होगी, लेकिन एंट्री तो तब दिक्कत करती है जब बात यूटी जीएसटी की आती है। तो अगर आप ऐसे कंडीशन में कहीं यूटी जीएसटी लगा देते हैं, जैसे परचेज की ही एंट्री कर रहे हैं और यहां पर सेम स्टेट का मामला हो या डिफरेंट का मामला हो, कोई भी मामला हो, लेकिन आप यहां पर यूटी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। यहां पे फिलहाल कच्ची घानी हमने किया था तो ये ले लेते हैं और इस बार 5 ही पैकेट लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेट होता है या नहीं। तो यहां पे देखिए, अगर हम जीएसटी का लेजर लगाते हैं, यूटी जीएसटी ये कर दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, जीएसटी रहेगा और इस बार यूटी रहेगा। तो ये देखिए सीजीएसटी यूटी जीएसटी एक ही में दिया गया, तो यहां पे अगर आप लगा भी लेते हैं, तो यहां पर अगर आप लगा भी देते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, क्या होगी कि जब ऑडिटर आपका ऑडिट करेगा तो उस समय आपका ये एंट्री गलत पाया जाएगा, क्योंकि यूटी जीएसटी कब लगाते हैं, जबकि किसी यूनियन टेरिटरी की बात होती है और महाराष्ट्र कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन जीएसटी एंड कंपनी हमारी एक ऐसी कंपनी है जो कहां से बिलोंग करती है, आप देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं F3 प्रेस कर देता हूं और यहां पर अगर इसे अल्टर करवा देता हूं तो देखिए ये कंपनी हमारी कहां की है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंपनी हम बनाने वाले हैं जो कि कहां की है, यूनियन टेरिटरी की है, ठीक है। तो यहां पे यूनियन के ही नाम से बना देते हैं कंपनी, ये यूनियन हो गया, एंटर किया, एंटर किया, एड्रेस डाल दीजिएगा आप पूरा और यहाँ पे अंडमान ही करेंगे, ठीक है। वहां पर हमने अंडमान ले लिया था क्रेडिटर पार्टी का, तो वहां पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा था, देख या यूटी जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा था वहां पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होता है या नहीं, तो ये तो हो गया। अब ये होने के बाद यहां पर जीएसटी को चालू कर लीजिएगा, तो यहाँ पे यस करके एंटर करके आइएगा, नीचे एंटर एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना जीएसटी आईएन नंबर डाल दीजिएगा, फिलहाल मैंने स्किप किया है। और यहां पर क्या करना है आपको, एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है, फिर यहाँ पे यस करना है, एंटर एंटर करके ये देखिए यहां पर आएंगे तो ये स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करिएगा और बाकी डिटेल भरते हुए स्पेसिफाई करते हुए यहां पर आ जाएगा। यहां पर 12% लगा रहा हूं, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये यूनियन के नाम से एक कंपनी हमारी बन गई, लेकिन ये है कहां की, ध्यान दीजिएगा ये कहां की है। यहाँ पे F3 करता हूं और इसे अल्टर कंपनी करता हूं, ये देखिए ये अल्टर किया हमने तो ये अंडमान निकोबार की है। तो ऐसे में अगर कोई भी मामला आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं V बटन प्रेस करता हूं और यहां पे परचेस कर रहा हूं, ठीक है, और कहां से परचेस कर रहा हूं, अंडमान की ही कंपनी है, ठीक है, हालांकि यहां पर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए यहां पर कर देते हैं सप्लायर 4 कर देते हैं, तो ये सप्लायर 4 कर देते हैं, एंटर एंटर, और ये संडे क्रेडिटर ही होगा।
और एंटर करेंगे, और ये अगर अंडमान का ही है तो ऐसे में एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा, और इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ परचेज का लेजर आएगा, तो यहाँ पे आप परचेज का लेजर लगा लीजिएगा। इस तरीके से परचेज अकाउंट कर देते हैं, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर किया। ग्रुप होगा परचेज अकाउंट, यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दिया है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, इसे एक्सेप्ट कराया। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर अल्ट सी करिएगा, और यहाँ पर फिर वही चीज की मस्टर्ड ऑयल बना लेते हैं। ये लिखा मस्टर्ड ओ आई एल ऑयल, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाके एल टी आर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पे एल आई टी आर ई लीटर हो गया, एंटर किया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लीटर्स जो आएगा वो यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री रख देंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, और एंटर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए कि 700 लीटर की बात हो रही है, और एक लीटर की खरीद रेट 120 पड़ रही है, तो ये हो गया। और यहाँ पर अब सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं काम करेगा। अगर आप सीजीएसटी का लेजर बनाते हैं, एंटर करते हैं, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप भी रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप है, जीएसटी कर दिया, और यहाँ पे तो सीजीएसटी ही होगा, और यहाँ पर आते हैं नॉर्मल राउंडिंग, तो यहाँ पर सीजीएसटी देखिए, ये सीजीएसटी आया, और सीजीएसटी तो आ गया, लेकिन सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी आएगा क्या? तो अगर हम आप यहाँ पर एसजीएसटी लगाते हैं तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर जो है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों एक ही में कर दिया गया है, तो यहाँ पर तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो आप सीधा सीधा यूटीजीएसटी लगाएं, ये लिख रहे हैं आप एसजीएसटी, लेकिन इसका मतलब है यूटीजीएसटी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूटीजीएसटी ही देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी सब सही है, बाकी आपको यहाँ पे यूटीजीएसटी ही देना है किसी भी तरह से, ठीक है? एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए, और ये आ गया, और यहां से इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा। तो ये तरीका है, यूटीजीएसटी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कहां लगाएंगे ये समझने की जरूरत है, ठीक है? जहां एसजीएसटी लगाते हैं वहां यूटीजीएसटी लगता है, लेकिन कौन से प्लेस पे लगेगा ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।